गुड आफ्टरनून बच्चों। जस्ट वी विल वेट फॉर अनदर 2 मिनट्स एंड देन वी विल स्टार्ट द सेशन स्टूडेंट्स। ओके गुड आफ्टरनून शिवानी। सानिया यस बेटा द वर्क इज गोइंग ऑन। 11th बायो के कुछ चैप्टर्स आ गए हैं एंड बाकी रिमेनिंग चैप्टर्स जो है वो आएंगे धीरे धीरे, तो डोंट यू वरी, आप कर सकते हैं। प्रतिभा गुड आफ्टरनून। यस स्टूडेंट्स वी विल स्टार्ट द सेशन। ओके एंड वी विल स्टार्ट द सेशन। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं बेटा पॉलिनेशन के बारे में। कल हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो, उसमें मैंने आपको एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर बताया था। कौन मुझे बताएगा कि एम्ब्रियो सैक जो है वो कितने सेल्ड और कितने न्यूक्लियस होता है? एनीवन हु कैन टेल मी कि एम्ब्रियो सैक में कितने सेल और कितने न्यूक्लियस होते हैं? एनीवन, एम्ब्रियो सैक में कितने सेल और कितने न्यूक्लियस होते हैं, कोई बता सकता है या मैं बताऊं? Yes, students are joining. Okay, fine. I will reply कि embryo sac is 7 celled 8 nucleate. Very good. Yes. ये बच्चे ने, बच्चे का नाम जो है वो particularly कुछ अलग है। शिवानी also have replied एक organism. Yes. तो yes बेटा it is 7 celled 8 nucleate. ये मैंने हम आपको बताया था। अच्छा मुझे बताइए कि एक सेल के बाद वाले सेल्स, बाजू वाले सेल्स को हम क्या बोलते हैं? एक सेल के अलावा 2 सेल्स होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? सिनर्जिड्स। ओके एंड सिनर्जिड्स एंड द एग सेल टुगेदर फॉर्म्स एग अपैरेटस। ठीक है, तो कल हम लोगों ने ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ा। ओव्यूल के स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा कि ओव्यूल इज, यस दिस इज द एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर। आई विल शो यू द ओव्यूल स्ट्रक्चर। द स्टॉक ऑफ द ओव्यूल इज कॉल्ड एज funicle, right? Yes, funicle. Then hilum, it is a point at which the stalk and the body is attached, right? Then there is a covering that is called as integument. Yes, very good. Synergids answer aaya hai. Very good students, thank you for your reply. Then there is an opening that is called as micropyle. There is a nutritive tissue जिसमें मेगास्पोर मदर सेल होता है और मेगास्पोरोजेनेसिस वाला प्रोसेस से वो एम्ब्रियो सैक फॉर्म करता है, दैट इज न्यूसेलस। तो ये हमने स्टडी किया था कल। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे प्रकार के ओव्यूल्स हमने स्टडी किए थे। ये मैंने आपको बताया था कि इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट। नीट के लिए बहुत 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 जरूरी है, मैंने आपको ये बात बताई थी। तो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, एनाट्रोपस ओव्यूल, एम्फीट्रोपस ओव्यूल, कंफाइलोट्रोपस ओव्यूल, हेमीट्रोपस और सरसिनोट्रोपस, हर एक के यूनिक फीचर बताए थे। ऑर्थोट्रोपस एक ही लाइन में होता है, माइक्रोपाइल, एम्ब्रियो सैक एंड फ्यूनिकल। एनाट्रोपस में इन्वर्टेड होता है, इन्वर्टेड ओव्यूल। ठीक है, एम्फीट्रोपस में हॉर्सशू शेप का एम्ब्रियो सैक होता है, यूनिक फीचर बता रही हूँ। इसमें देयर इज नो पर्टिकुलरली पोस्चर नहीं होता है, थोड़ा टिल्ट अलग तरीके से होता है। हेमीट्रोपस में राइट एंगल होता है बॉडी और स्टॉक। एंड सरसिनोट्रोपस, इसमें फ्यूनिकल जो है वो पूरा ओव्यूल को कवर करता है। तो ये मैंने आपको बताया था कल।
तो ये there are different types of ovules, ये बहुत important है हमारे NCERT में, नहीं है ये additional चीज है जो मैंने आपको बताई थी. फिर बाद में मेगास्पोरोजेनेसिस भी हमने पढ़ा था, that is a process of formation of female gamete by the process of division. तो उसमें मैंने आपको बताया था कि there is one meiosis and three mitosis taking place. Yes students, one meiosis and three times mitosis होता है और फाइनली हमको एम्ब्रियो सैक मिलता है जो क्या होता है, एट न्यूक्लिएट की कंडीशन में होता है. उसके अलावा क्या होते हैं, सेवन सेल, ये हमने कल पढ़ा था. तो सेवन सेल एंड एट न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक जो है वो होता है. देन उसके बाद एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था जिसमें दो सिनर्जिड्स होते हैं, एक एक्सेल होता है और फिलीफॉर्म अपैरेटस होते हैं जो क्या करते हैं, जो रास्ता देते हैं पोलन ट्यूब को एक तक पहुंचाने का और मेल गैमेट जो है वो वहां पर जाकर फ्यूज होता है. ये पोलार न्यूक्लियस जो है वो डिप्लॉइड सेल होता है, इट इज ओनली डिप्लॉइड सेल इन द एम्ब्रियो सैक जो पर्टिकुलरली सेकेंड मेल गैमेट से फ्यूज होता है और वो क्या फॉर्म करता है, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म. क्या फॉर्म करता है, एंडोस्पर्म फॉर्म करता है, ट्रिप्लॉइड टिश्यू फॉर्म करता है क्योंकि दूसरा मेल गैमेट उसके साथ फ्यूज होता है. तो ये भी हमने कल पढ़ा था. अब बेटा द नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी हैव टू स्टडी इज अबाउट द पॉलिनेशन. पॉलिनेशन क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस स्टूडेंट्स जिसमें पोलन ग्रेन जो बना है, जो तैयार है, वो कहाँ जाता है, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पे जाता है. अब फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या है, इट इज ओवरी स्टाइल एंड स्टिग्मा. तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है. यस, तो यहाँ पर पोलन ग्रेन आता है. अब पोलन ग्रेन में एग्जाइन में देर आर जर्म पोर्स जो पोलन ट्यूब फॉर्म करता है, और अगर पोलन ट्यूब फॉर्म करता है तो यहाँ पर क्या होते हैं, दो मेल गैमेट्स होते हैं. ठीक है, तो पॉलिनेशन क्या है, इट इज अ प्रोसेस इन विच, यस, डबल फर्टिलाइजेशन होगा. वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही बोला है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है. तो पॉलिनेशन में क्या होता है कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन और ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, और स्टिग्मा कहाँ है, पिस्टल में है. तो पॉलिनेशन क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस जिसमें जो पोलन ग्रेन तैयार हुआ है, मेल रिप्रोडक्टिव सेल जो होता है जिसमें मेल गैमेट्स होते हैं, वो जो है वो ट्रांसफर होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे. फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में कहाँ जाकर वो लाए होता है, स्टिग्मा पर. किधर होता है, स्टिग्मा पर. अब बेटा जब ये प्रोसेस होता है, ये जो ट्रांसफर होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज पॉलिनेशन. अब पॉलिनेशन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन. क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन. व्हाट इज सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन ये होता है कि वो फूल जिसमें पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है उसी फूल में ही वो स्टिग्मा पे जाकर गिर रहा है, मतलब वो सेम फ्लावर में वो ट्रांसफर हो रहा है एक ही फूल में. ठीक है, तो दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन. अब बेटा सेल्फ पॉलिनेशन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, कितने होते हैं, टू टाइप्स. ठीक है, तो उसमें से आपको पहला जो है दैट इज ऑटोगैमी, जिसमें जो मैंने आपको अभी समझाया कि एक फूल है उसी के ही एंथर से स्टिग्मा पे जाकर वो ट्रांसफर कर रहा है. उसके अलावा एक और प्रोसेस है दैट इज गाइटेनोगैमी. दैट इज व्हाट, दैट इज गाइटेनोगैमी जो होता है उसमें क्या होता है कि समझो एक रोज का प्लांट है, उसमें दो गुलाब के फूल है, तो दो गुलाब के फूल जो है वो एक ही प्लांट में है, तो वो क्या हो रहा है, वो एक फूल से दूसरे फूल पे वो ट्रांसफर हो रहा है उसका पोलन ग्रेन एक फूल के दूसरे फूल के स्टिग्मा पर. तो इट इज प्रेजेंट इन सेम प्लांट बट फ्लावर्स आर डिफरेंट. तो दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज कॉल्ड एज गाइटेनोगैमी. इसमें क्या हो रहा है कि ट्रांसफर वो दूसरे पौधे में नहीं हो रहा है, दूसरे प्लांट में नहीं जा रहा है, सेम प्लांट में. सो इट इज कमिंग अंडर सेल्फ पॉलिनेशन. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स,
Yes, zeno is cross-pollination, right. Autogamy, gametogamy and zenogamy. Yes, very good. तो ये बहुत ही एक्टिवली आंसर कर रहे हैं बेटा, बहुत ही सही आंसर कर रहे हो. तो ये सही टर्म्स है जो आप बता रहे हो. ट्राई टू प्रोनंसिएट इट. व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? सेल्फ पॉलिनेशन में जिसमें एक ही फूल में वो ट्रांसफर हो रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं? इट इज ऑटोगैमी. व्हाट डू वी कॉल इट? ऑटोगैमी. और जब वो एक ही पौधे का मतलब एक ही प्लांट का एक से दूसरे फूल में हो रहा है तो दैट इज नोन एज गाइटेनोगैमी. ओके, गाइटेनोगैमी. तो आपको ये दो शब्द पहले याद रखने फॉर ऑटोगैमी. नाउ देयर इज अ सेकंड टर्म दैट इज फॉर क्रॉस पॉलिनेशन. अब क्रॉस पॉलिनेशन क्या हो रहा है कि एक पौधे से दूसरे पौधे में वो जा रहा है ऑफ सेम स्पीशीज. ठीक है, तो दैट इज नोन एज जीनोगैमी. What is it known as? Xenogamy. Xenogamy is what? It is from the different plant. एक फ्लावर और दूसरा फ्लावर, अलग अलग पौधों पे वो होता है. तो आप देखेंगे कि ये अलग प्लांट से है, ये अलग प्लांट से है. तो this type of transfer is known as xenogamy. तो बेटा pollination क्या है? It is a process of transfer of pollen grain from anther to stigma. बेसिक टर्म, बेसिक डेफिनेशन उसका, ये याद रख लो, दिमाग में रख लो, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो वो आपको पता भी होगा. अब पॉलिनेशन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं. ठीक है, फर्स्ट इज सेल्फ पॉलिनेशन, सेकेंड इज क्रॉस पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन मतलब क्या? उसमें भी दो प्रकार होते हैं, एक है ऑटोगैमी एंड एक है गाइटेनोगैमी. ऑटोगैमी मतलब क्या? एक ही फूल है, उसी के ही सेम फूल का, इट इज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर, तो एंथर और स्टिग्मा पास पास में वो ट्रांसफर कर रहा है. ठीक है, गाइटेनोगैमी में क्या हो रहा है कि वो एक फूल दूसरे फूल पे जा रहा है बट सेम प्लांट, पौधा जो है वो चेंज नहीं हो रहा है. और जीनोगैमी इज क्रॉस पॉलिनेशन, उसमें क्या हो रहा है कि एक फूल से दूसरे फूल में जा रहा है वो दूसरे पौधे पे. मतलब अगर एक पौधा थोड़े डिस्टेंस पे रखा है और एक पौधा थोड़े दूर रखा है उससे, तो दोनों के बीच में जो ट्रांसफर हो रहा है एक पौधे से दूसरे पौधे पे, दैट इज द जीनोगैमी और क्रॉस पॉलिनेशन. तो वी विल रीड नाउ. ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द पिस्टल इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन. ऑटोगैमी क्या है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, एक ही फूल में हो रहा है तो ऑटोगैमी. एंड ऑफ दिस फ्लावर्स एंथर्स एंड द स्टिग्मा आर क्लोज टू ईच अदर, नजदीक है इसीलिए वो सेल्फ पॉलिनेशन दिखा रहा है. बेटा ये वाला चार्ट जो है ये बहुत यूजफुल रहेगा आप लोगों को. यस, सो आप लोगों को याद रखना है. ठीक है, तो ये जो है ये आपको बहुत ही एक लुक में आपको समझ में आ जाना चाहिए. देखो पॉलिनेशन, देयर इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन मतलब सेम फ्लावर में अगर हो रहा है तो ऑटोगैमी, डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट गाइटेनोगैमी. क्रॉस पॉलिनेशन में बेटा देयर आर एजेंट्स विच आर कैरिंग आउट क्रॉस पॉलिनेशन. क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो अपने आप जादू से तो नहीं हो जाएगा. एक पौधे से दूसरे पौधे में जाने के लिए उनको कुछ एजेंसीज थी ना, एजेंसीज मतलब क्या? ये ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल. तो उसके लिए दो फैक्टर्स होते हैं, एक होता है अबायोटिक और एक होता है बायोटिक. मतलब एक जो नॉन लिविंग है और एक जो लिविंग है. अबायोटिक में देर आर टू मेथड्स, दैट इज विंड पॉलिनेशन जो हमने देखा है किधर, जिम्नोस्पर्म में विंड पॉलिनेशन होता है. ठीक है, हवा से ट्रांसफर हो रहा है, हवा का झोंका लगा और वो क्या कर रहा है, हवा के झोंके से वो जा रहा है फूल के एंथर से, पोलन ग्रेन झड़ रहे हैं और वो जा रहे हैं और उड़ के वो प्लांट पे गिर रहे हैं. दूसरा है वाटर पॉलिनेशन, कि वाटर के करंट से, स्प्लैश से या फिर वाटर का जो फ्लो है उससे वो पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है. तीसरा जो है दैट इज बायोटिक फैक्टर्स, जिसमें हम लोग वेरियस बर्ड्स, इंसेक्ट्स, एनिमल्स, इनका जो है वो उनको हम लोग यूज करते हैं. तो उसमें बेटा
एक और है चार्ट आगे, मैं आपको बता रही हूँ फिलहाल में, इतने समझ के लो। बायोटिक फैक्टर्स में एंटेमोफिली, इट इज पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट। चिराप्टोफिली विद द हेल्प ऑफ बैट। मैलेकोफिली दैट इज बाय स्नेक, एंड ऑर्निथोफिली दैट इज बाय बर्ड। तो बर्ड पॉलिनेशन, इंसेक्ट पॉलिनेशन, स्नेल पॉलिनेशन, बैट पॉलिनेशन, स्नेक पॉलिनेशन भी होता है बेटा। तो पहले गाइथेनोगैमी का मतलब एक बार देख लेते हैं, फिर बाद में हम जाएंगे, या वो वाला स्लाइड में पहले दिखा देती हूँ आपको। ये भी है, हाँ यहाँ पर देखो कि बायोटिक एजेंट्स कौन से हैं। मेलेकोफिली दैट इज बाय स्नेल, चिराप्टोफिली दैट इज बाय बैट, हाइड्रोफिली दैट इज बाय वॉटर, जूफिली बाय एनिमल्स, एनी काइंड ऑफ एनिमल्स, तो उसमें ये सारे इंक्लूड हो जाते हैं। एनिमोफिली बाय एयर और विंड, और विंड यू कैन से हवा के झोंके से। देन एंटेमोफिली बाय इंसेक्ट, ऑर्निथोफिली बाय बर्ड, ओफियोफिली बाय स्नेक, ओफियोफिली बाय स्नेक, ये एडिशनल है, ये याद रखना है। तो ये सारे पॉलिनेशन के नाम है जो नीट में बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। ये स्लाइड जो है वो आपको दिमाग में बैठा लेनी है, ये आता ही आता है, एक आधा कोई क्वेश्चन आ ही जाता है कि चिराप्टोफिली इट इज पॉलिनेशन बाय बैट, मेलेकोफिली इट इज पॉलिनेशन बाय स्नेक। तो ये आप लोगों को याद रखना है, दैट इज ओफियोफिली बाय स्नेक। ये सब नाम नहीं है आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, तो आई विल टेल यू। मोहित अग्रवाल, वॉट शुड आई रिपीट बेटा, स्टार्टिंग से क्या पॉलिनेशन क्या है या फिर मोड्स, व्हाट डू यू वांट, ये बाकी है अभी। तो हम इधर थे, तो इधर मैं आपको बता रही थी क्या रिपीट करना है बच्चा। मोहित व्हाट डू यू वांट बेटा, यस इट इज देयर, कि पूछ लेते हैं कितनी बार बोर्ड्स में भी कि आप टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन के टाइप्स बताइए, और उसके बाद आपको वो बताना है कि वो किस एजेंट के थ्रू होता है। तो इट मे कम वन, जो ऑब्जेक्टिव वाले आते हैं। ओके ये जो अभी करवाया, ओके पॉलिनेशन के बारे में मैंने बताया अभी। तो पॉलिनेशन जो होता है वो क्या होता है, इट इज अ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। देखो ये डायग्राम है ना, यहाँ पर पोलन ग्रेन तैयार हो गया है, वो स्टिग्मा पर जा रहा है, मतलब फीमेल, मेल से फीमेल में जा रहा है वो। तो वो जो है वो प्रोसेस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सेल्फ और दूसरा होता है क्रॉस। सेल्फ मतलब क्या, एक ही पर्टिकुलरली फ्लावर में बोल सकते हैं, या फिर दो फ्लावर्स ऑफ सेम प्लांट, तो दे आर ऑफ टू टाइप। सेल्फ पॉलिनेशन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ऑटोगैमी और एक होता है गाइटेनोगैमी। ऑटोगैमी का मतलब होता है कि वो सेम फूल में जा रहा है, पोलन जो है वो ट्रांसफर हो रहा है उसी फूल के स्टिग्मा पर। गाइटेनोगैमी में क्या हो रहा है कि एक फूल के फूल से दूसरे फूल में जा रहा है, ऑफ सेम प्लांट, एक ही पौधे के, तो दैट इज गाइटेनोगैमी। इसी प्रकार क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो पर्टिकुलरली इसमें क्या हो रहा है कि एक पौधे से दूसरे पौधे में जा रहा है, ऑफ सेम स्पीशीज, ठीक है। तो रोज का प्लांट इधर है तो थोड़े डिस्टेंस पे है, तो वो वहां से ट्रांसफर। अब बेटा ट्रांसफर करने के लिए उनको कुछ एजेंसीज चाहिए, यहाँ पर मैं यही बता रही थी कि कुछ उनको एजेंट्स चाहिए, ट्रांसफर ऐसे ही नहीं हो जाएगा। तो क्या होएगा, उनको कुछ एजेंट्स चाहिए, या तो हवा चाहिए, या तो पानी चाहिए, या तो इंसेक्ट चाहिए। आपको पता है इंसेक्ट्स भी पॉलिनेशन करते हैं, हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे इस बारे में। तो दैट इज वो दो फैक्टर्स पे डिपेंडेंट, एक है अबायोटिक और दूसरा है बायोटिक। अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, जिसमें वाटर और विंड आता है, ओके, एंड बायोटिक जिसमें इंसेक्ट्स, बर्ड्स, स्नेक, स्नेल, बैट सब आता है। प्रोनंसिएशन आई विल टेल यू वंस अगेन, उसके लिए मैं ये वाला स्लाइड दिखाऊंगी तो आप लोगों को अच्छा रहेगा। यस इसमें स्नेल जो है वो पॉलिनेशन करता है, उसको बोलते हैं मेलेकोफिली, ओके मेलेकोफिली, ओके मेलेकोफिली, एंड फिलस भी बोलते हैं, दैट इज अ प्रोसेस। बाय बैट दैट इज चिराप्टोफिली, हाइड्रोफिली, हाइड्रो वॉटर, ओके तो वॉटर के थ्रू वो ट्रांसफर हो रहा है तो हाइड्रोफिली। जूफिली, जूफिली जूलॉजी एनिमल्स,
तो कोई भी एनिमल ले लो आप, इंसेक्ट, बर्ड्स, एनीथिंग, तो वो जनरल टर्म है. एनिमोफिली बाय विंड और एयर. देन एंटेमोफिली बाय इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स वो ट्रांसफर कर रहे हैं. ऑर्निथोफिली बाय बर्ड एंड ओफियोफिली बाय स्नेल. ये नाम याद रखने हैं, ये आते हैं नीट में और ट्वेल्थ में भी. आपको नाम याद रखोगे तो बहुत अच्छी बात है, तो अभी से ही पढ़ के रख लो, नीट के टाइम पर इजी हो जाएगा. चिराप्तोफिली बाय बैट, ओफियोफिली बाय स्नेक. तो ऐसे नाम याद रहने चाहिए, टेक्स्ट बुक में नहीं है. तो दिस इज एन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आई एम गिविंग यू, प्लीज नोट इट डाउन स्टूडेंट्स, आप लोगों को इसका बेनिफिट होगा. नाउ बेटा, इसके पहले मैं आपको बताई थी, गो बैक टू दिस स्लाइड. यस, आई वाज टेलिंग यू अबाउट दी, ये हमारा हो गया ऑटोगैमी, गाइटेनोगैमी और क्रॉस पॉलिनेशन. उसको हम लोग ज़ीनोगैमी भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ज़ीनोगैमी. आई होप सो मोहित अब समझ में आ गया होगा बच्चा, ठीक है. तो बेसिकली ये जो है, ये मैंने जनरल अभी बताया है आपको. अब हम इसका डिटेल करेंगे कि पहले तो टर्म्स है वो कंप्लीट करते हैं, देन वी विल डू द डिटेलिंग पार्ट. गाइटेनोगैमी, इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट. एक ही पौधा है, हाँ समझो, ये एक पौधा है, इधर ये पॉट है, ओके, ये एक पौधा है, ठीक है. यहाँ पर एक कली यहाँ पर है और एक कली यहाँ पर है, ठीक है. एक मिनट, आई विल सिलेक्ट सम अदर. तो इस कली से इस कली में जा रही है, वो ट्रांसफर हो रहा है. इधर का पोलन ग्रेन जो है वो इधर के स्टिग्मा पर आकर गिर रहा है, तो दैट इज गाइटेनोगैमी, ठीक है. ऑटोगैमी में क्या हो रहा है कि ये पौधा है, ठीक है, लीफ है, इधर फूल है, एक ही फूल है, तो इसी फ्लावर के अंदर दोनों चीजें हैं, पोलन ग्रेन और स्टिग्मा, तो वहीं की वहीं इसी फ्लावर में ही वो ट्रांसफर कर रहा है, तो दैट इज ऑटोगैमी. यस, तो वी हैव क्लियर द कंसेप्ट कि व्हाट इज गाइटेनोगैमी. एक ही पौधा है, उसके दो फूल है, ठीक है, वो ट्रांसफर दूसरे पौधे में नहीं. यहाँ पे एक और पॉट बनाया क्या हमने? नहीं. अगर ज़ीनोगैमी है तो क्या है? एक ये पौधा है और एक ये पौधा है, ठीक है. अज्यूम करो, हियर इज द लीफ, हियर इज द फ्लावर, सेम, हियर इज द लीफ एंड हियर इज द फ्लावर. तो क्या हो रहा है? ये पौधे से वो इस पौधे में जा रहा है, इधर से पोलन ग्रेन गिर रहे हैं इधर के स्टिग्मा पर. तो दैट इज बेसिकली व्हाट, टू डिफरेंट प्लांट्स हो रहे हैं यहाँ पे. इन दोनों में देयर आर नो टू डिफरेंट प्लांट्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस मच ओनली. नाउ क्लियर? आई थिंक सो यू हैव बीन अंडरस्टूड दिस. नाउ उसके बाद बेटा, यस, नाउ दो टर्म्स है बेटा, ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है आपके नीट के लिए अगेन, दैट इज क्लिस्टोगैमी एंड चैस्मोगैमी. ओके, नाउ व्हाट इज दिस चैस्मोगैमी एंड क्लिस्टोगैमी? बेटा एक ऐसे कुछ पौधे होते हैं या कुछ प्लांट्स होते हैं जिसमें दो प्रकार के फ्लावर्स होते हैं, एक जो कभी खुलते नहीं है और एक जो खुलते हैं. तो उसमें क्या होता है, बोथ द प्रोसेसेस अकरिंग, एक सेल्फ पॉलिनेशन वाला भी हो रहा है और एक जिसमें देयर इज अ चांस ऑफ ये क्रॉस पॉलिनेशन. तो व्हाट हैपेंस, क्लिस्टोगामस फ्लावर्स जो होते हैं ना, वो हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन दिखाते हैं. क्यों बेटा? क्योंकि वो फूल खिलते ही नहीं है, मतलब खुलते ही नहीं है, वो हमेशा क्लोज कंडीशन में होता है. तो बिना पॉलिनेशन, मतलब पॉलिनेटर की इनको जरूरत नहीं है और फिर भी वो सीड फॉर्म करता है. तो देखो, एश्योर्ड सीड सेटिंग इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर्स. पॉलिनेटर्स मतलब क्या? कोई पॉलिनेटर की उनको जरूरत नहीं है, वो सीड पक्का से फॉर्म करेगा. क्यों? क्योंकि वो क्लोज्ड ही कंडीशन में पॉलिनेशन, मतलब ट्रांसफर हो जाता है उसमें. तो दैट टाइप ऑफ फ्लावर्स आर नोन एज क्लिस्टोगैमस, दे डू नॉट ओपन, वो खुलते ही नहीं है, तो दैट इज क्लिस्टोगैमस. उनकी एग्जाम्पल है बेटा वायलिना, ऑक्सैलिस, कॉमेलिना, ठीक है. तो ये उनके, ये देखो, ये आपने देखा होगा प्लांट, बहुत ही सुंदर है. वायलिना तो कोई गार्डन में जाते हैं तो अक्सर ये होता है, हम लोग कॉमन पैंसी भी बोलते हैं. तो एक ये मेथड है जिसमें क्या हो रहा है कि फूल खुलते ही नहीं है, तो क्या है, उसके पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है,
वो सेल्फ पॉलिनेशन ही दिखाएगा। इसी प्रकार देखो यहाँ पर ये क्लोज्ड वाला दिख रहा है, ये क्लोज्ड वाले फूल है, देखो बंद है ना, इस तरीके से बंद है, तो यहाँ पर वो खुलेगा ही नहीं, तो वो क्या क्रॉस पॉलिनेशन दिखाया, यहाँ पर वो खुल रहा है, तो क्या हो रहा है, दे आर चल रहे, द फ्लावर्स विच आर एक्सपोज्ड एंड एंथर एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा दे आर कॉल्ड एज जैस्मोगैमी। एंड वो कहां पर हो रहा है, 4 o'clock प्लांट, मिराबिलिस जलपा, मिराबिलिस जलपा। ओके मैम, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स लिखा होता है, लेकिन ऑटोगैमी के एग्जाम्पल में एक ही पेरेंट ही हो रहा है, क्यों बेटा, इट इज नॉट टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व ना, मेल एंड फीमेल दोनों है ना, टू पेरेंट्स हो गए ना, एक है एंथर, पोलन ग्रेन इज वन पेरेंट एंड द अदर पेरेंट इज द स्टिग्मा ओव्यूल, तो दे हैव टू पेरेंट्स, कैसे वो एक पेरेंट हुआ, एक फूल है जिसमें दोनों पेरेंट्स प्रेजेंट है, तो देर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ना, यूनिसेक्सुअल और बायसेक्सुअल, तो बायसेक्सुअल में इट हैज व्हाट, बोथ द रिप्रोडक्टिव और ऑर्गन्स इन द सेम पेरेंट, तो ये वो केस है, अब समझा जी, ठीक है, तो एक पेरेंट नहीं है, पेरेंट दो है बट फूल एक है, ऑर्गेनिज्म एक है, ये समझ के ले लो, तो इट इज ऑटोगैमी, इट इज बायसेक्सुअल फ्लावर, नॉट यूनिसेक्सुअल, एक सेक्स नहीं है उसमें, अब समझा, डिड यू अंडरस्टैंड बच्चा, थैंक यू, यस। तो ये मैं बता रही थी आपको, तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स क्या है, जो ओपन नहीं होते, हमेशा उसमें सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा, ये याद रख लो, एग्जाम्पल कॉमन पैंसी, कॉमेलिना ऑक्सैलिस, ठीक है, ये उसका फोटो है, ये याद रखना है ना। जीनोगैमी क्रॉस पॉलिनेशन, हाँ, यहाँ पर क्या हो रहा है कि पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीशीज, डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीशीज, ठीक है, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन मैंने अभी बताया आपको, देर आर अबायोटिक एंड बायोटिक, अबायोटिक मतलब क्या होता है, अबायोटिक का मतलब जो नॉन लिविंग है, बायोटिक मतलब जो लिविंग है, हाँ, और उसमें क्या आ रहे हैं, जूफिली आता है बेसिकली, इंसेक्ट, बर्ड्स, बैट, स्नेक, स्नेल, ये सब आता है, तो वो प्रोनंसिएशन मैंने आपको बताया है, तो दे हैव एजेंट्स, बायोटिक को उनको एजेंट्स होते हैं, तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस, मेलेकोफिली, चिराप्टोफिली, हाइड्रोफिली, जूफिली, एनिमोफिली, एंटेमोफिली और ऑर्निटोफिली एंड ओफियोफिली, ये नाम याद रखना है, बहुत काम की स्लाइड है बच्चों, बहुत ही काम की स्लाइड है, प्लीज अगर अभी भी किसी ने नोट डाउन नहीं किया है, नोट डाउन करके लो, ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे आगे तक के लिए, ये आता है नीट में, एक आधा क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये टर्म्स हमको याद रहने चाहिए। नाउ वी विल गो इन द डिटेलिंग प्रोसेस, एनिमोफिली ये कौन सा पॉलिनेशन है, इट इज विंड पॉलिनेशन, जो हवा के झोंके से, हवा का झोंका, ठीक है, तो हवा के झोंके से वो जा रहा है कहां, वो पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है दूसरे फ्लावर पे, तो हवा का झोंका जो है उसमें, ये वाला नॉर्मली मतलब फोटो दिखाया है कि हवा के झोंके से विंड पॉलिनेशन, हाइड्रोफिली वॉटर पॉलिनेशन, ठीक है, पानी के एजेंट से, इनके एग्जाम्पल्स हम स्टडी करेंगे और इनको हमको क्या क्राइटेरिया है, क्योंकि हर एक फिनोमिनन को हवा के झोंके का पोलन ग्रेन जो है वो हल्का होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, ज्यादा होने चाहिए, क्यों, क्योंकि वेस्टेज होने के चांसेस है, उनका डायरेक्शन फिक्स नहीं है ना, जरूरी थोड़ी ना कि हवा का झोंका आया तो वो पोलन ग्रेन वहीं फूल पे जाकर गिरेगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, तो उसमें क्या है, उसमें हमको समझ कर लेना है कि क्या होता है कि हवा के झोंके में पोलन ग्रेन्स बहुत वेस्ट भी होते हैं, बहुत इधर उधर गिरते हैं, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, तो दैट इज एनिमोफिली।
हाइड्रोफिली बाय वॉटर, उसमें हमको एक एग्जाम्पल डिटेल में स्टडी करना, दैट इज वैलेसनेरिया. मैं आपको बताऊंगी बेटा कि पानी में जो पॉलिनेशन होता है उनके पास भी स्पेशल एडेप्टेशन होता है. एक तो ग्रेविटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि पोलन ग्रेन ग्रेविटेशनल फोर्स से वो नीचे भी चला जाता है या फिर वो फ्लोट भी होता है, तो उनका वो ग्रेविटेशनल पुल से कम होता है, तो ये हमको याद रखना है. तो एक वो है. देन zoophily, zoophily इट इज विद द हेल्प ऑफ एनिमल्स, उसमें अलग अलग टाइप है. दैट इज एंटेमोफिली, दैट अकर्स विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट्स के मदद से. ऑर्निथोफिली विच अकर्स विद द हेल्प ऑफ बर्ड्स. चिराप्टोफिली बैट. तो ये कुछ फोटोज है, आप देखेंगे इंसेक्ट बर्ड्स एंड इनके भी कुछ स्पेशल ही है कि अब देखो बैट जो है वो पर्टिकुलरली इट इज एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट, तो वो फूल जो है वो रात के समय खिले हुए होने चाहिए, ऐसा वाला प्लांट होना चाहिए. तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है बेटा कदंब. कदंब का पेड़ देखा होगा तो उसके फूल में ये अक्सर होता है, और उनकी ना बहुत फाउल स्मेल होती है उनके फूलों की, तो वो बैट उससे अट्रैक्ट होता है, तो वो एक रीजन है. ठीक है. इंसेक्ट्स और बर्ड्स जो है उनमें क्या होता है, दे शुड हैव नेक्टर, खुशबू होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए. तो ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है. तो हर एक पॉलिनेशन के लिए आप एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया होता है, तो वो हमको याद रखना है, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है. यहाँ पर चांसेस ऑफ वेस्टेज इज लेस. विंड पॉलिनेशन में बहुत होता है. क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं कि हवा का झोंका आया और वो वहीं जाकर गिरेगा, बिल्कुल भी नहीं होता है. चलो क्विक एक रिवीजन, आई वांट सम आंसर्स फ्रॉम योर साइड. चिराप्टोफिली कौन सा पॉलिनेशन है? चिराप्टोफिली विच पॉलिनेशन? एनीवन हु इज रिप्लाइंग? चिराप्टोफिली. कोई बता सकता है चिराप्टोफिली पॉलिनेशन बाय? क्या बच्चों, अभी तो बताया मैंने, कितना यूनिक नाम है, याद भी रहेगा आपको. बाय बैट. ठीक है. तो ये आपको याद रखना है, चिराप्टोफिली बाय पॉलिनेशन बाय बैट, ऑर्निथोफिली बाय बर्ड्स, एंटेमोफिली बाय इंसेक्ट, आपको याद रखना है. ना एनिमोफिली, एनिमोफिली विंड पॉलिनेशन. अक्सर बेटा क्या होता है, इट इज व्हाट एनिमोफिली, इसमें क्या हो रहा है कि हवा के झोंके से पोलर ग्रेन जो है वो उड़कर जा रहा है दूसरे प्लांट के ऊपर. ओके शिवानी, वेरी गुड बेटा. थोड़ा लेट हो गया आप रिप्लाई करने को, आई मे बी द नेटवर्क इशू, कोई बात नहीं, बट वेरी गुड यू रिप्लाई. एनिमोफिली बेसिकली इट इज व्हाट, इट इज द प्लांट प्रोड्यूसर्स एनॉर्मस अमाउंट ऑफ पोलन ग्रेन. से याद रखना है क्यों बेटा, क्योंकि बहुत सारे पोलन ग्रेन वेस्ट हो जाते हैं. ये याद रखना है आपको कि विंड पॉलिनेशन में सबसे बड़ा ड्रॉबैक है. उसके अलावा क्या पॉइंट्स होते हैं बेटा, हल्के होते हैं, क्योंकि हवा के झोंके से उड़ने चाहिए ना. क्या होगा अगर वजनदार होंगे तो क्या होगा, वो उड़ नहीं पाएंगे हवा के झोंके से. तो अक्सर ये ग्रामीने फैमिली, ग्रामीने मतलब क्या, ग्रासेस वाली फैमिली में होता है, राइस और ग्रासेस, बैम्बू, शुगर केन, दे आर ऑल्सो मोनोकॉट्स. तो यहाँ पर ये होता है. उसके अलावा द फ्लावर्स आर स्मॉल एंड नेवर कलर्ड. जरूरत नहीं है क्योंकि कलर एज सच इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने की जरूरत है, तो कलर उनका इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं करता. यहाँ पे देखेंगे कुछ प्लांट्स के फोटोज मैंने लगाए हुए हैं. देन दे आर ओडरलेस. ओडर का मतलब होता है खुशबू भी कोई जरूरत नहीं है, खुशबू की भी हमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो भी हमको अट्रैक्ट करने के लिए जरूरत नहीं होती है. देन दे आर वेरी स्मॉल, ड्राई एंड लाइट इन वेट, हल्के फुल्के होते हैं, ऐसे ही हवा के झोंके से उड़ के चले जाते हैं, बट वॉट वेस्ट भी होते हैं, हल्के फुल्के, भारी होंगे तो उड़ेंगे कैसे, तो दैट इज अ रीजन. स्टिग्मा आर हेरी एंड ब्रांच्ड टू ट्रैप पोलन ग्रेन. क्या होता है, उनका फीमेल रिप्रोडक्टिव वाला पार्ट जो होता है, ओवरी स्टाइल स्टिग्मा,
स्टिग्मा भी क्या होता है, वो उसको ट्रैप करना चाहिए हवा के झोंके से आया तो वो फेदर ही होता है, फेदर ही मतलब फेदर्स होते हैं ताकि वो उसमें ट्रैप हो जाए, ठीक है। स्मूथ होता तो वो उड़ निकल जाएगा, जल्दी फिसल जाएगा, तो वो भी एक रीजन है। तो बेटा क्या क्या चीजें हैं, सबसे पहले विंड पॉलिनेशन के लिए हल्के होते हैं, ओडरलेस होते हैं, कलरलेस नहीं होते हैं, खुशबू नहीं होती है, कोई ब्यूटीफुल ब्यूटिफिकेशन ज्यादा नहीं होता है, ज्यादा अमाउंट में होते हैं, ड्राई होते हैं और हवा के झोंके से इजीली उड़ जाए वैसे वाले होते हैं। तो ये कुछ रीजन, कहाँ होता है, कौन से प्लांट्स में होता है, अक्सर ग्रामीने फैमिली, यस। तो ये इतना समझ में आया ना। हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली में क्या हो रहा है, पानी में उनका ट्रांसफर हो रहा है। तो कैसे पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है, टू स्टिग्मा। अब बेटा इसमें ना दो प्रकार होते हैं, एक होता है वाटर के सरफेस पे और एक होता है पानी के नीचे, ठीक है। तो एक होता है इट अकर्स बिलो द वाटर एंड दैट इज नोन एज हाइपो हाइड्रोगैमिक, मतलब हाइड्रोफिली भी बोलते हैं, हाइपो हाइड्रोफिली और हाइपो हाइड्रोगैमिक। तो इसमें क्या हो रहा है कि पानी के अंदर हो रहा है, ठीक है। तो ये कहाँ हो रहा है, कौन से प्लांट में हो रहा है, हाइड्रिला में हो रहा है, हाइड्रिला में, ठीक है। इजी एग्जांपल एपीहाइड्रोफिली, ये वैलेसनेरिया वाला एग्जांपल हम पढ़ेंगे अभी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि वाटर के सरफेस पे फ्लोटिंग, फ्लोटिंग में मतलब ऊपर ही सरफेस पे ही वो पॉलिनेशन हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है बेटा, अभी ये देखो ये प्लांट है, इधर देखो, इधर बहुत अच्छा डायग्राम है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये मेल इन्फ्लोरेसेंस देखो नीचे है और फीमेल फ्लावर ऊपर आ गया है। क्यों बेटा, पहले देखेंगे आप, पहले ना ये देखो यहाँ पर कॉइल है, यहाँ पर देखिए, ये है फीमेल फ्लावर, ये है मेल फ्लावर। अब क्या होगा कि मेल फ्लावर जब मैच्योर होएगा ना तो वो क्या कर देगा, वो ऊपर आ जाएगा और ऊपर आने के बाद उसके जो मेल फ्लावर जो है वो सरफेस पे आ जाएंगे और वो उसके पोलन्स जो है वो ऐसे रिलीज हो जाते हैं पानी के सरफेस पे। तब क्या होता है कि फीमेल जो है वो जब मैच्योर होता है तो वो अनकॉइलिंग करता है। यहाँ पे देख रहे हैं आप कॉइलिंग स्ट्रक्चर है, तो उनका जो कॉइल स्टाइल है वो खुल जाता है और वो ऊपर आ जाता है और वो जो भी ग्रेविटेशनल इससे जो वो अट्रैक्ट करता है फीमेल फ्लावर पोलन को वो फर्टिलाइजेशन दिखाता है। तो इसमें क्या होता है, पॉलिनेशन इन वैलेसनेरिया इट इज एपीहाइड्रोफिली। एपीहाइड्रोफिली मतलब क्या है, वाटर के सरफेस पे। इन दिस टाइप ऑफ हाइड्रोफिलस विच अकर्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर द फीमेल फ्लावर हैव अ वेरी लॉन्ग पेडिसल, ठीक है, पेडिसल स्टॉक है। फिर बाद में वो क्या करता है, देयरफॉर इट रीचेस द सरफेस ऑफ वाटर, वो क्या कर रहा है, अनकॉइलिंग करता है जिसकी वजह से वो सरफेस पे। मेल फ्लावर आफ्टर ब्रेकेज फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, वो मैच्योर होकर वो ब्रेक होकर सरफेस ऑफ वाटर पे जाता है। पोलन ग्रेन आर रिलीज्ड ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, दे आर कैरिड पैसिवली बाय वाटर करंट, हवा के झोंके से वो पानी के करंट से वो उधर तक पहुंचता है। And some of them eventually reach the female flower and to the stigma. तो वो क्या करेगा, वो उसको attract करेगा, हाँ, और वो fertilization कर देगा। तो कौन सा है, Vallisneria, ये example बहुत favorite question है, उसमें पूछ लेते हैं कि what type of pollination it is showing? Hydrophily तो है but it is epihydrophily on the surface of water. इसमें क्या हो रहा है, मेल और फीमेल फ्लावर जो है वो अलग अलग टाइम पे मैच्योर होते हैं। मेल फ्लावर जो मैच्योर होता है वो ऊपर फ्लोट होना है, वो डिटैच हो जाता है उनके बॉडी से और फ्लोट होने लगता है। फीमेल फ्लावर का जो स्टॉक है ना वो कॉइल्ड होता है, तो जब वो मैच्योर होता है तो वो क्या होता है, वो ऊपर आ जाता है, मतलब वो अनकॉइलिंग हो जाता है उसके पेडिसल का, और वो फीमेल फ्लावर जो है वो सरफेस पे आ जाता है उस समय पर। तब वो पोलन ग्रेन्स जो निकले हुए हैं वो फ्लोट होकर हवा के पानी के करंट से वो उनको फूल को जाकर पॉलिनेट कर देंगे। ओके शिवानी, आई विल रिपीट अगेन। वैलेसनेरिया, वैलेसनेरिया जो है इट इज शोइंग द पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ वाटर।
अब वाटर में दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जो पानी के अंदर होता है और एक होता है जो पानी के सरफेस पे होता है, मतलब ऊपर, ठीक है। तो जो सरफेस पे होता है उसको हम बोलते हैं एपीहाइड्रोफिलिक, एंड जो पानी के अंदर होता है दैट इज हाइपोहाइड्रोफिलिक। ओके, एपीहाइड्रोफिलिक में इसमें क्या हो रहा है कि इसका जो वैलेसनेरिया है एग्जांपल, उसमें क्या हो रहा है, मेल और फीमेल फ्लावर जो है वो मैच्योर अलग टाइम पे होते हैं। मेल फ्लावर जब मैच्योर होता है वो नीचे होता है, वो उसका इनफ्लोरेसेंस जो है वो रिलीज होता है, वो फ्लोट होने लगता है पानी। इसी प्रकार फीमेल फ्लावर जो है उसका पेडिसल जो होता है, स्टॉक जो होता है, वो बहुत ही कॉइल्ड होता है। तो जब वो मैच्योर होता है तो क्या होता है, वो अनकॉइलिंग दिखाता है, जिसके वजह से उसका फ्लावर जो है वो ऊंचा हो जाता है। ऊंचा हो जाता है तो कहाँ आ जाता है, वाटर के सरफेस पे। अब वाटर के सरफेस पे फीमेल फ्लावर पहुंच गया, पानी का करंट से, फ्लो से वो क्या हो रहा है कि पोलन ग्रेन्स या मेल फ्लावर जो है वो फूल के पास आ जा रहे हैं, फीमेल फूल के पास, और वहां से पोलन ग्रेन जो है वो फीमेल फ्लावर के कॉन्टैक्ट में आ रहा है, जिसके वजह से पॉलिनेशन हो रहा है। अब समझ में आ गया शिवानी? तो इट इज विच टाइप ऑफ पॉलिनेशन, इट इज एपीहाइड्रोफिलस, मतलब ऑन द सरफेस ऑफ वॉटर। इसमें क्या हो रहा है कि टाइमिंग अलग है डेवलपमेंट का, बट फाइनली दे आर फ्यूजिंग ऑन द सरफेस ऑफ वॉटर। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है कि इट इज शोइंग विच टाइप ऑफ पॉलिनेशन, तो हाइड्रोफिली है, हाइड्रोफिली में भी एपीहाइड्रोफिल, ऑन द सरफेस ऑफ वॉटर, नॉट बीनीथ द वॉटर। ग्रेविटी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि ग्रेविटी से वो पोलन ग्रेन अंदर नहीं जा रहा है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्रेविटी जो है हाइड्रोफिली वाले प्रोसेस में ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। थैंक यू बेटा, थैंक यू शिवानी, यू रिप्लाइड। सो ये जो है ये एक पॉलिनेशन है। अब बेटा हमको और भी पॉलिनेशन करना है, जैसे अगेन इन एक्वेटिक प्लांट्स लाइक वाटर हायसिंथ लाइक आइकोर्निया, वाटर लिली लाइक अपना लोटस, एमर्जेस आउट ऑफ द वाटर एंड द पॉलिनेशन अकर्स बाय विंड और इंसेक्ट। तो दीज आर ऑल्सो सम हाइड्रोफिलस प्लांट्स जिसमें पॉलिनेशन जो है वो विंड और इंसेक्ट पॉलिनेशन दिखाता है, ठीक है ना। ज़ूफिली, ज़ूफिली में बेटा बहुत सारे टाइप है, जस्ट एक्सक्यूज मी स्टूडेंट्स, आई ड्रिंक वाटर। ये स्टूडेंट्स, तो मैं आपको बता रही थी कि ज़ूफिली में बहुत सारे प्रकार होते हैं। हमने पढ़ना है अबाउट द बैट, अबाउट द इंसेक्ट, ओके, ये हमको मेन पढ़ना है। तो इट इज बेसिकली एंटेमोफिली के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या है वो, उसमें क्या फीचर्स होते हैं। अगेन नाउ बेटा मैंने आपको बताया कि बर्ड्स और इंसेक्ट के लिए फ्लावर अट्रैक्टिव होना चाहिए, तब वो आकर उस पर बैठेंगे, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेनन है। द फ्लावर्स आर फ्रेग्रेंट एंड ओमिट्स ओडर, दैट इज जैस्मिन, रोज, यहाँ पर द फ्लावर्स आर कलरफुल एंड टू अट्रैक्ट इंसेक्ट। तो एंटेमोफिली में दे शुड अट्रैक्ट इंसेक्ट, सो उनको कलर होना चाहिए, नेक्टर होना चाहिए। हाँ, नेक्टर नहीं होगा, उनको खाना नहीं मिलेगा, तो वो क्यों आएंगे उस पर, ठीक है। वो अट्रैक्ट तो हो रहे, तो वो नेक्टर पर्टिकुलरली निकाल रहे हैं, तो नेक्टर टू फीड विजिटिंग इंसेक्ट। द पोलन ग्रेन्स आर स्टिकी एंड स्पाइनी, तो क्या होएगा बेटा जब वो इंसेक्ट वहां पर जाकर बैठेगा तो चिपक जाएगा उनके पैर पे, पैर पे चिपकेगा या उनके बॉडी के कोई पार्ट पे, तो जब वो इंसेक्ट दूसरे फूल पे जाएगा तो वो वहां पे चिपक सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, इट हेल्प्स टू अटैच द बॉडी ऑफ द विजिटिंग इंसेक्ट। टू कैच पोलन ग्रेन्स द स्टिग्मा बिकम स्टिकी, तो स्टिग्मा जो है वो भी स्टिकी होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है, क्या है, एक तो खूबसूरत होना चाहिए, नेक्टर होना चाहिए, स्टिकी होने चाहिए पोलन ग्रेन एंड स्टिग्मा, मतलब वो उनका सरफेस जो है वो हार्ड होना चाहिए, तभी वो इंसेक्ट को चिपकेगा। नाउ बेटा ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर योर नीट एंड ट्वेल्थ बोर्ड में भी बहुत बार आया है बेटा, कि लीवर मैकेनिज्म क्या होता है, क्या होता है
lever mechanism. Now what is lever mechanism beta? Lever आपको पता है क्या होता है? Lever हम छोड़ते हैं. तो lever mechanism में क्या हो रहा है कि इसमें हम lever छोड़ते हैं ना कोई चीज का, तो यहाँ पर एक method है जिसमें ये salvia जो है वो pollination कर रहा है with the help of insect, और वो पॉलिनेशन के मेथड को हम क्या बोल रहे हैं? लीवर मैकेनिज्म. अब यहां पर आप देखेंगे कि ये जो फूल है किस तरीके का है. साल्विया हैज कोरोला विद द अपर पार्ट इज बाइलिप्ड. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइलिप्ड? मतलब दो लिप्स के ऐसा स्ट्रक्चर है. ओके, एंड वहां पर आप देखेंगे कि स्टाइल है और एंथर है. अब बेटा यहां पर आप तीसरे डायग्राम में देखेंगे कि यहां पर वो इंसेक्ट आया है, बी आई है. हाँ, और वो ये जो है लीवर की तरह जब यहां पर वजन गिर रहा है तो ये वाला जो ऊपर वाला लिप है ना वो क्या हो रहा है? वो नीचे झुक जा रहा है वजन की वजह से. और झुक रहा है तो एंथर पे जो पोलन ग्रेन है वो इंसेक्ट के कहां पे आ गए? पीछे के पार्ट पे आ गए. अब जब ये इंसेक्ट उड़कर जा रहा है दूसरे वाले फूल के ऊपर, वहां पर जाकर बैठ रहा है, तो क्या हो रहा है? वो जैसे ही बैठेगा उसके बैक पे से वो पोलन ग्रेन वो फ्लावर पे गिर जाएगा, तो उसके वजह से पॉलिनेशन हो रहा है. ठीक है, तो ये जो इंसेक्ट पॉलिनेशन इन साल्विया उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीवर मैकेनिज्म. क्या बोलते हैं? लीवर मैकेनिज्म. उसमें क्या हो रहा है कि ये फूल का जो मॉर्फोलॉजी होता है वो उस तरीके के होता है कि वो जब एक पेटल पे जाकर बैठ रहा है तो दूसरा पेटल झुक जा रहा है उसके ऊपर, और वो पेटल के ऊपर वाले साइड में ही मतलब नीचे वाले साइड में एंथर पे पोलन ग्रेन्स होते हैं जो वो इंसेक्ट के पैक पे जाकर गिर जाते हैं. जब वो इंसेक्ट वहां से उड़कर दूसरे फूल पे जाकर बैठता है तो वो पोलन गिर जाते हैं. तो क्या हो रहा है? एक तरीके से वो लीवर मतलब वो बैठ रहा है तो वजन से वो नीचे आ रहा है, तो उसको हम लोग लीवर मैकेनिज्म बोल रहे हैं. तो ये आपको याद रखना है. इंसेक्ट्स ब्रिंग अबाउट पॉलिनेशन इन साल्विया. फ्लावर्स ऑफ साल्विया हैव कोरोला दैट हैव अपर पार्ट ऑफ बाइलिप एंड द लोअर पार्ट इज ट्यूबुलर. ट्यूबुलर ठीक है, ये ट्यूब जैसा है. वेयर टू स्टेमेंस आर अटैच्ड, ऊपर टू स्टेमेंस अटैच. द अपर लिप फॉर्म्स अ हुक लाइक स्ट्रक्चर व्हाइल लोअर लिप सर्व्स एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म. मतलब यहां पर ये लोअर है और ये अपर है, तो ये क्या कर रहा है? यहाँ पर इंसेक्ट आ रहा है, लैंड हो रहा है, तो ये नीचे झुक रहा है. ऑफ द टू स्टेमेन द फर्टाइल वन इज सिचुएटेड अंडर द हुक लाइक अपर लिप. तो वो इधर फर्टाइल वाला है. एंड व्हेन द इंसेक्ट सिट्स ऑन द लोअर इट पुशेस द प्रोबोसिस इनटू द कोरोला ट्यूब फॉर कलेक्टिंग नेक्टर. तो वो क्या कर रहा है कि वो अपना आउटर पार्ट जो है वो कोरोला के अंदर डाल रहा है, तो क्या हो रहा है? नेक्टर कलेक्ट करने के लिए तो वो झुक रहा है प्लांट. इट्स बैक टचेस टू द फर्टाइल एंथर व्हिच गेट डस्टेड विद द पोलन ग्रेन्स. एंड व्हेन दिस इंसेक्ट विजिट द अनदर फ्लावर फॉर नेक्टर द स्टाइल बेंड्स डाउन एंड टचेस द बैक ऑफ द इंसेक्ट रिजल्टिंग इन पॉलिनेशन. तो क्या हो रहा है कि जब वो बैक पे लेकर जा रहा है, वो दूसरे फूल पर जा रहा है, तो क्या हो रहा है कि इंसेक्ट जो है वो क्या है उसके कमर से जो है मतलब बैक से जो है वो पोलन ग्रेन वो दूसरे फूल पर जाकर लग जाता है. तो ये साल्विया जो है जो मैकेनिज्म दिखा रहा है वो क्या है? इट इज लीवर मैकेनिज्म. ये आपको याद रखना. तो बाइलिप्ड कोरोला जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब वो जा रहा है बैठ रहा है इंसेक्ट तो पीछे ऐसे नीचे झुक रहा है ऊपर वाला कोरोला का उसका पार्ट, तो वो टच कर रहा है, तो ये आपको याद रखना चाहिए. ठीक है, तो ये पॉलिनेशन इन साल्विया. तो दिस मेथड इज कॉल्ड एज लीवर मैकेनिज्म. यस, ना एक और है बेटा, ये भी कभी कभी आ जाता है कि यूका प्लांट करके एक प्लांट है बेटा, वो उसका जो पॉलिनेशन है इट इज पॉलिनेटेड बाय मॉथ. ओके, एंड ये मॉथ जो है ना ये इसके बिना यूका प्लांट का लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होता, यूका का मॉथ के बिना नहीं होता है. ये दोनों इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है. सॉरी, तो मॉथ बोर्स द होल इन द ओवरी टू ले इट्स एग. ठीक है, तो वो मॉथ जो है वो जो इंसेक्ट है वो क्या करता है? वो अपने ले करता है वो ओवरी के अंदर.
Then it collects the pollen grain from the several flowers and pushes it in the hollow end of stigma. तो वो क्या करेगा, बहुत सारे pollens को collect करेगा और वो push कर देता है stigma में. After fertilization, seed development, the larva of the moth feed on the developing seed. तो क्या हो रहा है, pollination होने के वजह से वो क्या कर रहा है, seed develop हो रहा है, तो वो seed के ऊपर वो larva जो है वो feed करता है. तो पॉलिनेशन नहीं होगा तो सीड डेवलप नहीं होगा तो उसको खाना नहीं मिलेगा. तो इसके वजह से मॉथ जो है वो इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, पॉलिनेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है. तो ये भी एक फिनोमिनन है. द अनकंज्यूम्ड सीड्स डिस्पर्स टू प्रोपागेशन एंड द मॉथ कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सीड एंड द यूका कैन नॉट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली विदाउट मॉथ. तो इन दोनों के प्रोसेस जो है वो इंटरकनेक्टेड है कि अगर वो मॉथ जो है वो पोलन्स नहीं लाएगा और वो फर्टिलाइजेशन नहीं करेगा और वो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो वो सीड नहीं प्रोड्यूस करेगा जिसकी वजह से मॉथ के जो लार्वे वो फीड नहीं कर पाएंगे. तो इसीलिए ये दोनों चीजें इंटरकनेक्टेड. तो मॉथ एंड यूका प्लांट ये भी एक एग्जाम्पल है जो आपको याद रखना है. तो तीन यूनिक एग्जाम्पल्स हमने पढ़े, एक वैलेसनेरिया दैट इज एपिहाइड्रोफिलस, साल्विया लीवर मैकेनिज्म एंड थर्ड इज मॉथ एंड यूका प्लांट. तो ये आता है. नाउ ये एक और मेरे को बताना है, आई थिंक सो हाँ ये कल टॉपिक देखेंगे हम लोग. चिराक्टोफिली बेटा, पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ बैट्स. हाँ अब बैट्स का मैंने आपको बताया कदम्ब, कदम्ब के फूल आपने देखे होंगे. देखो यहाँ पर एंथोसिफेलस कदम्बा करके बोलते हैं, ये कदम का फूल है. तो इसमें ये पॉलिनेशन बाय बैट जो है वो होता है. उसके अलावा बेटा जो दशहरा के पत्ते है ना उसका जो ट्री है उसके भी फ्लावर्स पे ये पॉलिनेशन होता है. तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बैट पॉलिनेशन के लिए क्या होता है, एक तो वो ना फूल जो है वो गंदी वाली फाउल स्मेल प्रोड्यूस करता है जिससे वो बैट एक्टिव होता है. उसके अलावा क्योंकि बैट रात में एक्टिव होते हैं तो क्या होता है कि वो फ्लावर्स जो है वो इवनिंग में ब्लूम होने चाहिए, नाइट में ब्लूम होने चाहिए. तो वो एक है. और तीसरी चीज क्या है, फूल बड़े साइज के होने चाहिए. बैट इज पॉलिनेशन का मोड है तो मतलब क्या है, हल्का फुल्का छोटा सा डेलिकेट फूल क्या उसको झेल पाएगा, बिल्कुल नहीं झेल पाएगा. तो क्या करेंगे कि उनको ऐसा फूल चाहिए जो उसका वजन झेल पाए. तो दैट इज अ पॉलिनेशन मोड दैट इज चिराप्टोफिली, इट इज बाय बैट. पॉलिनेशन कैरिड आउट बाय बैट इज डिस्क्राइब्ड एज चिराप्टोफिली. कॉमन एग्जांपल्स आर ड्यूरियो, किग्लिया पेंटाना, एंथोसिफेलस कदम्बा, एडनसोनिया, देन बाउहेनिया. बाउहेनिया अपना दशहरे के पत्ते वाला जो होता है उनमें सब में होता है, बड़े फूल होते हैं इनके और गंदा स्मेल. The flowers are freely exposed, large and tough, so that bat can hold on them. मतलब वो bat का वजन झेलने को आना चाहिए उसको. The flowers open in evening since bats are nocturnal and अगर वो open नहीं होंगे तो वो कैसे produce करेंगे. Then flowers give off strong scent like that rotting fruit, सड़े हुए fruit की वो smell देता है. और bats feed on nectar and pollen produced in very large amount by the these flowers. तो वो bat जो है वो फूलों के वो nectar पर feed करता है. ये भी एक बहुत important parameter है. तो ये कुछ parameters हैं जो आपको याद रखने हैं कि चिराप्टोफिली में गंदा smell, बड़ा flower, nocturnal होना चाहिए और bat उन पर feed करता है. तो ये कुछ चार important points हैं वो आपको याद रखने हैं for चिराप्टोफिली मतलब bat pollination के लिए. तो आज बेटा हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, हमने व्हाट इज पॉलिनेशन पढ़ा, हम लोगों ने टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन पढ़ा, उसमें ऑटोगैमी, गाइटेनोगैमी एंड ज़ीनोगैमी, क्रॉस पॉलिनेशन में एजेंट्स पढ़े, उसमें भी बायोटिक एंड अबायोटिक पढ़ा. बायोटिक में जो हमने लिविंग इंसेक्ट ज़ूफिली के टाइप्स पढ़े, मेलकोफिली, ओफियोफिली, हाँ तो ये सब आपको याद है, चिराक्टोफिली, हाँ एंटेनोफिली. एंड इन अबायोटिक में वाटर एंड विंड. तो सबके एग्जाम्पल्स हमने पढ़े, तीन यूनिक एग्जाम्पल्स पढ़े हमने, वैलेसनेरिया, उसके बाद हमने पढ़ा साल्विया एंड यूकाप्ला. ये बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए स्टूडेंट्स. आई विल रिवाइज दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर इन 5-10 मिनट्स एंड देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा आज का लेक्चर, मैंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताई है.
do watch it and revise it again. I will ask you some questions in the next lecture. See you tomorrow. Bye. Ta-da.